हेलो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तरंचल बर्ड्स में। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको ले चलेंगे हल्द्वानी की बर्ड्स मार्केट। आज जो दो पर्टिकुलर एरिया है, एक महेंद्र बलिया जी की शॉप और राम आसरे जी की शॉप है, उन दोनों को हम कंबाइंड करके एक वीडियो बनाएंगे। और काफ़ी अच्छा स्टॉक है हल्द्वानी की बर्ड्स मार्केट में, एग्जॉटिक बर्ड्स से लेके एग्जॉटिक जो भी एनिमल्स हैं वो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये देखिए। मोटा मोटी पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर डिटेल में हम कवर करेंगे एक एक बर्ड्स को। ये देखिए ब्लैक मसकली। चलिए अब चलते हैं और डिटेल में एक एक करके बर्ड्स को कवर करेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं बजीज के ऊपर, जिन्हें हम ऑस्ट्रेलियन पैरेट या बजरी तोते या छोटे तोते या रंग बिरंगे तोते के नाम से जानते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगभग 40 से 50 पेयर हैं, और इसके अलावा इनके पास और भी बैक स्टॉक रखा हुआ है। ये हैं हम आज महेंद्र बहेलिया जी की शॉप में। इनकी जो शॉप है उसकी जो लोकेशन है वो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ये भी ऑन द वे नैनीताल रोड पर है। ये सिंधी चौराहे से जस्ट पहले अग्रसेन चौक है, वहाँ पर है। वहाँ पर भी एक बॉम्बे क्रॉकरीज है, उसके जस्ट बराबर में ये शॉप लगाते हैं अपनी। तो इनके पास बजीज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सारे के सारे यंग पेयर है। अगर जो भी बंदा लेके स्टार्ट करना चाहता है, बजीज पालना चाहता है तो पाल सकता है। सारे के सारे हेल्दी नज़र आ रहे हैं, प्लस थोड़ा सा रेट भी इनका डाउन है। ये आपको लास्ट प्राइस, वैसे तो आप पूछेंगे तो स्टार्टिंग में तो करीबन ये 600-700 रुपये बताते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे लास्ट बार्गेन प्राइस पूछ लिया कि भाई बता दो हमारे व्यूअर को, हमारे सब्सक्राइबर को, कि आप क्या लास्ट प्राइस दे देंगे। तो ये कह रहे हैं कि 450 रुपये। मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद ये जो 450 रुपये पर पेयर का रेट है बजीज का, ये सबसे कम है। अगर आप चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। और जो भी मेल फीमेल आप चूज़ करेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि आपको इन बर्ड्स के हेड पे दिख रहा होगा कलर लगा हुआ। तो ये सारे के सारे ब्रीडर्स के कलर होते हैं, और ये भी बाहर की ब्रीडर्स की ही बर्ड्स हैं सारी। और देखिए किस तरह से उड़ रहे हैं, कि सारे के सारे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो आप बजीज से शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये नवंबर का स्टार्टिंग वीक चल रहा है। इस समय मौसम ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म होता है, तो और थोड़ा जो बजीज होती है थोड़ी वो स्ट्रॉन्ग भी होती है, उतना ठंड का उतना ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ता नहीं है। अगर आप फिंच वगैरह है तो उसमें ज़्यादा असर पड़ता है ठंड में, कि एकदम से ठंड पड़ी तो एकदम से उनकी मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है, वो मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बजीज के केस में ऐसा ठंड गर्म का इशू ज़्यादा रहता नहीं है। और आप जब भी ले जाएँ उसके बाद मैं कहूँगा 3 से 5 दिन का कोई भी एक बेस्ट एंटीबायोटिक, टेरामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन, जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो उसका आप 3 से 5 दिन का कोर्स करा दीजिए। और ये देखिए फिंचेस माशाल्लाह, सारा ये भी सारे के यंग हैं। देखिए कुछ की बीक्स आपको ब्लैक दिख रही है, इट मीन्स की वो चिक्स हैं। और ये देखो उन्होंने कंगनी डाल रखे हैं, और सारे के सारे एक्टिव दिख रही हैं। देखिए इधर से उधर कूद रही हैं, और हाथ पैर इनके, बॉडी इनके, इनके जो फैदर का कलर है वो भी आप देख के पहचान सकते हैं कि ये सारे के सारे हेल्दी हैं। और किस तरह से ये इधर उधर जंप कर रहे हैं, ये शो करता है कि बर्ड्स कितना ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आप फिंच रखना चाहते हैं तो फिंच परचेस कर सकते हैं, और जो फिंच का जो रेट है वो भी मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद सबसे कम है। ये जो क्लेम कर रहे हैं इसका प्राइस महेंद्र बहेलिया जी, ये देखिए आपके पीछे दिख रहे होंगे रेड शर्ट में, यही है महेंद्र बहेलिया जी। तो ये क्लेम कर रहे हैं 350 रुपये लास्ट प्राइस, मतलब लास्ट आपको बारगेन्ड प्राइस ये 350 रुपये है पेयर। आपको फिंच मेल फीमेल जो भी आप चूज़ करेंगे, जो भी लेना चाहते हैं आप, वो ये आपको दे देंगे। अगर आप फिंच पालना चाहते हैं तो पाल लीजिए, अभी से एक महीना तकरीबन है आपको अपना सेटअप पूरा अरेंज करने के लिए, क्योंकि ठंड दिसंबर लास्ट तक काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो उस समय आपको थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। तो उस केयर के ऊपर मैंने भी पाल रखी है, उस केयर के ऊपर भी बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि ठंड से बचाने के लिए क्या आप करें। इसके बाद इनके पास मसकली, मतलब फैंसी पिजन में वाइट मसकली है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा पेयर है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, अगर आप कबूतर के शौकीन हैं और फैंसी कबूतर पालना चाहते हैं, फैंसी पिजन पालना चाहते हैं, तो ये मसकली आप ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिख रहा है, थोड़ा सा हेड में बाल में लग रहा है कुछ हट रहा है, या तो इन्होंने आपस में लड़ाई करी है उससे एक दूसरे
आपके बाल नोचे हैं या फिर और कोई वजह हो सकती है। वैसे आईज़ वगैरह तो देखिए क्लियर है, बीक ब्रीक क्लियर है, तो इट मीन्स किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं है बर्ड्स में। तो इसका जो ये प्राइस क्लेम कर रहे हैं वो ये 1500-1800 रुपए तक क्लेम कर रहे हैं। तो ये आपको तकरीबन मुझे लगता है 1500 रुपए में आपको वाइट मसकली आपको ये दे देंगे, ये देखिए। और इसके अलावा इनके पास गिनी पिक्स भी अवेलेबल हैं, तो मैं आपको चलिए अब चलता हूँ और गिनी पिक्स आपको दिखा देता हूँ। गिनी पिक्स के तो बहुत ही पेयर हैं इनके पास, अगर आप गिनी पिक्स पालना चाहते हैं तो आप इनसे परचेस कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी साइजेस में अवेलेबल हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो अगर आपको बच्चे लेने हैं बच्चे ले लें, बड़ा चल लेना है बड़ा ले लें, सबके रेट एक ही हैं। इसका जो लास्ट बारगेन प्राइस ये कोट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1000 रुपये जोड़ा, मतलब नर मादिन या नर या मादिन मादिन जो भी आप लेना चाहें वो एक पेयर में आप ले सकते हैं। उसका जो प्राइस आपको देना पड़ेगा वो 1000 रुपये देना पड़ेगा। और देखने में सारे के सारे क्लीन हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, फैदर से भी आपको देखने में लग रहा होगा साफ़ सुथरे नज़र आ रहेंगे सारे के सारे। तो अगर आप गिनी पिग्स पालना चाहते हैं तो आप पाल सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी ब्रीड भी करते हैं लोग बताते हैं, क्योंकि मेरी महेंद्र जी से बात हो रही थी तो कह रहे हैं काफ़ी अच्छी ब्रीड करते हैं, जो इनका बच्चा है वो पूरा अच्छा हेल्दी निकलता है और पैदा होने के बाद ही खाना शुरू कर देता है, उसके पूरे फैदर्स पूरे होते हैं। और ये काफ़ी अच्छी ब्रीड करते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल नंबर्स में ये ब्रीड करते हैं, बहुत जल्दी ब्रीड भी कर ब्रीड में आ जाते हैं ये। तो अगर आप गिनी पिग्स पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल तुरंचल बर्ड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बराबर में एक बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस कर दें, उससे होगा ये कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं खरगोश। इनके पास खरगोश के भी काफ़ी ज़्यादा पेयर हैं, अगर आप खरगोश पालना चाहते हैं तो खरगोश का आप शौक रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। ये देखिए मैक्सिमम सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं एक के ऊपर एक, कुछ प्योर वाइट में भी है, कुछ मिक्स प्योर वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी है। तो आपको जिस तरह के खरगोश पालने हों और लेना चाहते हैं तो आप ले लें। वैसे तो ये प्राइस जो मांगते हैं वो 700 रुपये कहते हैं ओपन, और ये 600 रुपये लास्ट जोड़ा दे देंगे आपको। अगर आप खरगोश लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा इनके पास हाई फ्लाइंग पीजन्स में भी काफ़ी कलर्स अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी कबूतर अवेलेबल हैं। इनके भी अलग अलग कबूतर के अलग अलग प्राइस हैं, तो ये करीबन 400 से लेके 800-1000 रुपये तक के भी हैं इनके पास कबूतर। तो आप आएंगे, क्योंकि कबूतर का ऐसा रहता है कि कबूतर तो लोकल मार्केट से ही आता है, लोकल देसी लोगों घरों से ही आते हैं और फिर वो बिक जाते हैं। तो जिस टाइम भी आप आएंगे तो उस समय ले सकते हैं। ये देखिए प्योर वाइट और ग्रे में जो बॉडी में कलर है, कितना माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। चलिए अब फ़िलहाल तो इनके पास केजेस भी हैं, जो केजेस 50 रुपये से लेके 1200 रुपये तक अवेलेबल हैं। चलिए अब हम चलते हैं राम आसरे जी के पास। ये देखिए राम आसरे जी के पास आ गए हैं हम। तो इनके पास बजीज की क्वांटिटी तो काफ़ी कम है, तकरीबन मेरे हिसाब से 8 से 10 पेयर हैं बजीज के, उसी सेटअप में ही फिंच भी है, एक आध पेयर इसी में पड़ी है। कबूतर हैं, हाई फ्लाइंग पीजन्स हैं और विलायती चूहे हैं। विलायती चूहे भी 300-400 रुपये पेयर आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं अभी लास्ट में वीडियो में दिखा दूंगा। और खरगोश जब मैं आया था वीडियो बनाने, हमारी टीम गई थी तो सेल आउट हो गया था एक दो पेयर, और एक सिंगल पीस बचा है कबूतर का इनके पास। राम आसरे जी का थोड़ा प्राइस हाई है, ये जो बजीज का क्लेम प्राइस क्लेम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लास्ट में 500 रुपये दे पाऊँगा। और फिंच का एक पेयर पड़ा है इनके पास, मेल फीमेल कन्फर्म है, तो इसके कह रहे हैं कि मैं 400 दे पाऊँगा, महेंद्र जी 350 में दे देंगे आपको। और बजीज अगर आप राम महेंद्र जी से परचेस करेंगे वो आपको 450 में कह रहे हैं, ये 500 रुपये ही कह रहे हैं। अगर आप बात करेंगे, खुद क्लेम करना चाहते हैं तो आप बात करके आएंगे तो आप जिससे मर्जी चाहे उससे परचेस कर लीजिए। हमारा मेन उद्देश्य केवल हल्द्वानी की बर्ड्स मार्केट में आप सभी को अवगत कराना होता है। और डिफरेंट साइज़ के केजेस भी इनके पास अवेलेबल हैं, 1200 रुपये से
1200 रुपये से 1600 रुपये, मतलब 50 रुपये स्टार्टिंग है और तकरीबन 1200, 1400, 1600 रुपये तक हैं, अलग अलग साइज़ अलग अलग शेप के। मैंने काफ़ी पिछली वीडियो में भी डाल दिया, इसलिए मैं डिटेल में केजेस को कवर आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। इनकी शॉप मंगल पड़ाव में है, नागपाल टावर के जस्ट सामने, और बराबर में नानक स्वीट्स है। ऑन द वे है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हल्द्वानी से हैं तो शायद सभी मैक्सिमम लोग जानते होंगे, अगर आप बाहर से हैं तो आप इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, वो आप उसमें देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी दोनों का मोबाइल नंबर मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और अगर आप बर्ड्स परचेस करना चाहते हैं तो आप इनसे बात करके भी बर्ड्स परचेस कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने पूरा व्यू आपको दिखा दिया है, सारी पूरी बर्ड्स जो जो अवेलेबल हैं दोनों लोगों के पास, राम असरे जी और महेंद्र जी, दोनों का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक कर दें। लाइक करने से होता ये है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी जो वीडियो होती है वो और यूट्यूब में पब्लिकली शो होती है, और उनका जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है उसमें अच्छा सूट होता है, अच्छी जगह पे प्लेस आती है। तकरीबन हम 30,000 सब्सक्राइबर के वो और जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। इसी तरह का प्यार आप हमें देते रहिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम 1,00,000 सब्सक्राइबर भी गेन करेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जैसा कि हमने अपनी फिंचेस और जावा के लिए भी कॉलोनी बना दी है, और कॉकटेल का एक पेयर मैंने ले लिया है, जल्द ही मैं उसके ऊपर भी वीडियो कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि अब हमारे दो पेयर हो गए हैं। लेकिन अभी भी मेल फीमेल कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि जो मैं कॉकटेल लेकर आया हूँ वो तकरीबन 3 से 4 महीने के बच्चे ही लग रहे हैं, तो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो जो मैं लाया हूँ कि दोनों मेल हैं या नहीं। चलिए अब हम वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब हमें दीजिए हमारी और पूरी टीम को इजाज़त, और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।